तो दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने आईपीएल 2024 के लिए अपने नए हेड कोच की घोषणा कर दी है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को आईपीएल 2024 के लिए नया हेड कोच मिल चुका है। तो ऐसे में कौन हुआ जिनको रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने अपना नया हेड कोच बनाया? तो ये एक ऐसा बड़े प्लेयर है जिनको ट्रेड विंडो के जरिए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर अपनी टीम में शामिल करेगी। मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी जो है देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो रहने वाली है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वीडियो में अंत तक बने रहना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वो तो दोस्तों आईपीएल से जुड़ी हर छोटी बड़ी नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए चलो जो है वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों आईपीएल 2024 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने कईयों को काफी बड़ा झटका दिया। आईपीएल 2024 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अपने हेड ऑफ डायरेक्टर जो कि माइक हेजन, हेड कोच जो कि संजय बंगार को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस टीम को अब नए हेड कोच की तलाश थी। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को नया हेड कोच मिल चुका है जो कि एंडी फ्लावर है। एंडी फ्लावर जो आईपीएल 2022 और आईपीएल में लखनऊ सुपरजायंट के हेड कोच थे, लेकिन लखनऊ सुपरजायंट ने आईपीएल 2024 से पहले एंडी फ्लावर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब एंडी फ्लावर रहेंगे जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के अगले नए हेड कोच बनेंगे, एक क्रिक बज ने कंफर्म किया। एंडी फ्लावर जो है लखनऊ सुपरजायंट के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के अगले नए हेड कोच बनने वाले। वहीं अब बात करते हैं मेंटोर की, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आईपीएल 2024 में मेंटोर एबी डिविलियर्स को बना सकती है। एबी डिविलियर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के अगले मेंटोर आईपीएल 2024 में बन सकते हैं। बात करते हैं उस एक प्लेयर की जिनको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ट्रेड विंडो के जरिए अपने टीम में शामिल कर सकती है, जो कि है केएल राहुल। केएल राहुल एक बेहतरीन विकेट कीपर, ओपनर, बल्लेबाज है। आईपीएल 2022 और 23 में लखनऊ सुपरजायंट की कप्तानी की थी जब एंडी फ्लावर लखनऊ सुपरजायंट के हेड कोच थे। अब एंडी फ्लावर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से जुड़ने वाले। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर चाहेगी केएल राहुल को भी अपनी टीम में शामिल कर सके। तो ऐसे में अगर लखनऊ सुपरजायंट और केएल राहुल को ट्रेड करती है तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर केएल राहुल को ट्रेड विंडो के जरिए अपनी टीम में शामिल कर सकती है। तो अगर केएल राहुल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में शामिल हो जाते हैं तो फाइव डुप्लेसिस के बाद केएल राहुल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के अगले कप्तान बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों एंडी फ्लावर के आ जाने से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कितनी मजबूत हो जाएगी? क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आईपीएल 2024 के फाइनल में जगह बना पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों क्या केएल राहुल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को अपनी टीम में शामिल करना चाहिए? अभी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।